भस्म हो गई नहीं तो श्राप हो गया है उनका। यहाँ सफली नहीं होते यहाँ ना हो। बहुत लोग कोशिश किए, बहुत कई बार ट्राई किए, तब भी नहीं। यहाँ जग किसी का नहीं पूरा होता। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंगारालाल आप सबके बीच में एक बार फिर। दोस्तों, आज हम महाराजगंज आजमगढ़ ज़िले में आए हुए हैं बाबा भैरवनाथ के धाम पे, और हमारे मित्र इधर अमरेश कुमार हैं जिनका काम था इधर थोड़ा, तो काम था इनका तो साथ में आए, तो हम लोग यहाँ बाबा भैरवनाथ के बिल्कुल करीब आ गए थे, तो सोचे कि हम लोग बाबा भैरवनाथ का दर्शन भी कर लेते हैं और कुछ यहाँ का नज़ारा आप लोगों को भी दिखा देते हैं। तो चलिए हमारे साथ यहाँ का पूरा व्यू देखिए, जो है मंदिर का प्रांगण कितना बड़ा है, क्या क्या है यहाँ पे, सब कुछ मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ, तो सब जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। हम लोगों ने जो है इधर देखिए प्रसाद और साथ बनवा रहे हैं बाबा के दर्शन के लिए, तो प्रसाद यहाँ पे जिस हिसाब से आपको बनवाना है, 100 का, 50 का या फिर 60 का, शतक, जितना आपके क्षमता अनुसार जो है अपना प्रसाद बनवा सकते हैं। तो इधर प्रसाद जो है रेडी हो गया, हम लोग प्रसाद लेकर अब जो है मंदिर में प्रवेश करेंगे। मंदिर के हम गेट पर आ गए हैं, इधर देख रहे हैं मंदिर का जो है मेन दरवाज़ा है इधर से, और इधर सीढ़ी है, इस सीढ़ी पर से चढ़ के जो है बाबा भैरवनाथ का हम लोग दर्शन करेंगे। तो हमारे मित्र अभी अंदर चले गए, मैं पीछे रह गया हूँ, तो अभी मैं चल रहा हूँ। तो मंदिर जो है बहुत काफ़ी बड़ा है और
अंदर भी गुंबद बहुत काफ़ी ऊंचाई पे, आप लोगों ने पीछे दृश्य में देखा ही बहुत काफ़ी, और इसका मतलब बाबा के मंदिर के चारों तरफ जो है दीवार है और चारों तरफ जो है दरवाज़ा है, गेट है, और दुकानें भी जो है चारों तरफ है। तो सुबह का टाइम है तो कुछ दुकानें भी बंद हैं और कुछ दुकानें खुली हुई हैं। तो ये मंदिर का प्रांगण आप लोगों ने देखा ही व्यू में, इधर भी आप लोग देखिए कितना बड़ा व्यू है, इधर भी अच्छा लग रहा है खूबसूरत, और इधर भी देखिए काफ़ी मैदान है। चलिए मैं बाहर से भी दिखाता हूँ बहुत कुछ, और पीछे का ये मंदिर का है पूरा एक चक्कर लगाना है, और दर्शन बहुत काफ़ी अच्छा आराम से जो है यहाँ पे हो जा रहा है। तो इधर भी देखिए, इधर भी बहुत काफ़ी जो है फैला हुआ है मैदान है इधर काफ़ी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मंगलवार को जो है ज़्यादा भीड़ लगती है, मंगलवार को जो है मेला की जैसा जो है यहाँ भीड़ लगती है। और इधर पीछे जो है तालाब है, इधर देख रहे हैं तालाब है, कुंड है, इसमें स्नान करके जो है बाबा का जो है दर्शन किया जाता है। और इधर भी एक मंदिर है, मतलब अब यहाँ पे कई जो है मंदिर है। उधर भी देखिए शिव पार्वती जी का मंदिर है, अब इधर से मैं बैक कैमरे से दिखा रहा हूँ, उधर भी मैं चल रहा हूँ, और उधर भी पोखरा है, पहले जो इधर नाला के जैसा नदी के जैसा है जो कि पानी उधर बता, मैं वो भी धीरे से मैं दिखा रहा हूँ। यह मंदिर काफ़ी जो है सुंदर बना हुआ है और काफ़ी जो है ऊँचाई पर बहुत बड़ा मंदिर है, और प्रांगण भी बहुत काफ़ी बड़ा है। ये जो तालाब देख रहे हैं, तालाब के जो है चारों तरफ स्नान करने के लिए जगह बनाया गया, और पानी के अंदर जो स्टील का रेलिंग लगाया गया है कि उसके अंदर बहुत काफ़ी गहराई है, तो उसके अंदर न जाए कोई, इधर ही रेलिंग से बाहर ही सब लोग स्नान करें, इसके लिए जो रेलिंग लगाया गया है, और पोखरा के चारों तरफ जो स्नान करने के लिए है। और क्या, उधर जो है छोटे छोटे मंदिर, उधर शंकर जी का मंदिर, उधर बजरंग बली का मंदिर, और पीछे वो देख रहे हैं बाबा भैरवनाथ जी का है मंदिर। तो काफ़ी ऊंचाई है और मैदान भी यहाँ पर बहुत काफ़ी दूर तक है। आज सुबह सुबह जो है अभी दुकानें सब खुली नहीं है, धीरे धीरे खुल रही हैं, लेकिन मंगलवार को जो है ज़्यादा यहाँ पर लगभग भीड़ लगती है। तो कुछ लोग जो है उधर यहाँ पर जो है खप्पड़ उप्पड़ भरते हैं, तो उधर देखिए उधर जगह है, तो उस साइड जो है अपना मिट्टी के बर्तन में या जिस बर्तन में भी अपना कपड़ पर भरते हैं, बाबा भैरवनाथ को जो चढ़ाते हैं, दूध का ताई देते हैं। तो ये सब मंगलवार को सब देखने को मिलता है, लेकिन हम आज जो है शुक्रवार है इसलिए सब हम दिखा नहीं पा रहे हैं आप लोगों को, यहाँ पे भीड़ भी नहीं है। लेकिन मंगलवार को आएंगे तो यहाँ पे बहुत काफ़ी भीड़ लगती है, मेला लगता है यहाँ पे, दुकानें सज जाती हैं और दूर दूर के जो है आदमी आते हैं लगभग। और इस क्षेत्र में बाबा भैरवनाथ का ही मंदिर एक ऐसा यहाँ पे धाम है जो कि बहुत काफ़ी जो है बड़ा धाम है, यहाँ पे अच्छा लगता है, यहाँ पे आने पे मन को शांति मिलती है। करीब करीब गंगा जी का मंदिर 10-15 किलोमीटर है। अच्छा। और वहाँ से गंगा जी हर शिवरात्रि के दिन यहाँ पे कहीं भी रहती हैं आ जाती हैं, गंगा जी आ जाती हैं यहाँ हर शिवरात्रि के दिन। वो जगह वहाँ है, वो जगह वहाँ पे सामने जो शिव जी का एक देख रहे हैं, आ गए आप सामने एक शिव जी का मंदिर बना हुआ है, और वहीं पे बता रहे हैं लोग कि हमेशा गंगा जी हर महाशिवरात्रि के दिन आती हैं। अच्छा भैया, आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं के रहने वाले हैं। मंदिर से कितना दूर होगा आपका? हमारा यहाँ से 2 किलोमीटर इधर है। अच्छा, यहाँ के बारे में आप क्या क्या जानते हैं मंदिर के? यहाँ के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, जैसे वो राजा दस मंदिर का उद्गम स्थल कैसे, यहाँ का जो बाबा भैरवनाथ का नाम कैसे पड़ा है? यहाँ पे वही जो राजा दस जी यज्ञ कराए थे, तो उनके पार्वती माता जी को नहीं निमंत्रण दिए, वो यही जगह है कि यहीं
आके भस्म हो गई है। आके सटल है जैसे है ना बनल है अरिया ओकरे सटल है पछोरिया है एकदम सटल है अरे कुंड जाना साइड हाँ पक्षी साइड हाँ 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 तो आप एक पंडित जी बैठे हुए हवन कुंड वगैरह लेकर के सब आप गए लानी हाँ अभी गए थे हम लोग हाँ तब बैठा लानी हम गए लानी दर्शन करे तब ना रहा अच्छा अच्छा दर्शन रोज कर लिया एक दिन हिसाब कब से मतलब ये इस क्या कहानी क्या है बताइए कहानी बतावनी तो है वह मतलब वह जग गिरा हाल कि अथुआ रहा कौन शादी ब्याह रहा तो लोग रहा दोनों जने कैलाश पर्वत पर तो वहाँ से जब देवता लोग आवे लगे उड़न खटोलना से तभी कहानी कि पति कहाँ जात हमें सब तो कहने कहा करबू पूछ के जात हमें सब कहने नहीं बताया तो वह कहने की मतलब पहले हाँ कौनो कौनो काज है ब्याह है शादी है का हो जब ना हमारे जी होता आयल तो हम कहा जाने बाकी बाकी है कुछ वहाँ वहीं जात है मतलब वहीं जात हुआ सर तो कहानी की तब ऐसा है कि आपो चलिए कहना हम तो ना जात बीमा नहीं होता तो कहानी की तब ना आप जाबा तम तो जाब हमारे नैया नगरी है तो कहना कि जाबू तब अभी तो वहाँ गए संदेह ना मनली तो जब अब लगनी तो कहना कि जा अभी है हमारा तुहार भेंट दीदार है तब अली तब ये हैं बहुत मेहरारू जैसे अब जुटेली वैसे अपन जुटल रही केहू बोलल उलल ना वैसे घूमनी दू फेरा ना के बोलल तो वह हमन होती रहू मार लिखा के कूद गई जल के भसम हो गई तो मतलब यहाँ कौनो जग थोड़े पूजा होली केहू के हाँ केहू कौनो पूजा ना आज तक ले ना बहुत जने जग करो ना हाँ। केहू सफल ना भाई केहू सफल ना भाई आज तक बहुत लोग आए लेकिन किसी का जग पूरा नहीं हुआ अन्न पूरा हो ही हाँ नहीं अभी ना अभी पिछली बार भुड़ुक बाबा ना बहुत कोशिश करे हाँ। लेकिन जग ना सफल आज भसम हो गई नहीं तो श्राप हो गया श्राप हो गया यहाँ सफली नहीं होते यहाँ ना बहुत लोग कोशिश किए बहुत कई बार ट्राई किए तब भी नहीं यहाँ जग किसी का नहीं पूरा सफल होता जगह जगह है अच्छा अच्छा जगह जगह चार पाँच सौ कुआँ है इसमें अच्छा और काफी गहराई तक है होगा हम समझ रहे हैं कि 70-80-90 फुट नीचे होगा अच्छा तो इसमें पानी कभी सूखता ही नहीं होगा नहीं पानी कभी नहीं सूखता है पानी हमेशा रहता है तो दोस्तों आज का था ये हमारा वीडियो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें कोई राय तो कमेंट में जरूर बताएं फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय धन्यवाद।